नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ वेटलेस थ्रेड कैन विद स्ट्रेन टेंशन अप टू थर्टी टू टन स्टोन ऑफ मास पॉइंट फाइव केजीज टाइड टू इट एंड इज रिवॉल्ड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस टू मीटर इन अ वर्टिकल प्लेन इफ जी इज इक्वल टू टेन देन द मैक्सिमम एंगुलर वेलॉसिटी ऑफ द स्टोन कैन बी हमारे ऑप्शन है फाइव रूट थर्टी रूट सिक्सटी या फिर टेन रेडियन पर सेकेंड ना अपने वर्टिकल सर्कल का सवाल है सो so अगर आपने वर्टिकल सर्कल में पार्टिकल को यहाँ से लेट से यू वेलोसिटी से भेजा है तो वो पार्टिकल जब ऐसे गोल घूम के वापस आता है टेंशन उसकी मैक्सिमम होती है इस जगह पे तो हम यहाँ पे टेंशन की वैल्यू लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर उसको हम लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी ये आपकी इस जगह पे मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू आएगी टेंशन मैक्सिमम तो अगर कहीं पे रस्सी टूटेगी तो यहाँ टूटने का डर है यहाँ अगर सेफ़ है रस्सी तो पूरा सर्कल अदरवाइज कंप्लीट हो जाएगा टेंशन की पे अपने को वैल्यू दे रखी है थर्टी विल बी इक्वल टू मास मास अपने को दिया हुआ है पॉइंट फाइव उसको वन बाय टू लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय आर आर की वैल्यू दी हुई है टू मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एम हो गया आपका वन बाय टू मल्टीप्लाइड बाय ये आपका जी टेन हो जाएगा यानी कि आपका ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये करके फाइव बचेगा यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी माइनस फाइव यानी कि 25 फाइव विच एम्प्लाईज़ आपका ओमेगा हो जाएगा अंडर उट ट्वेंटी यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 रेडियन पर सेकेंड सो दिस इज़ द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी हो सकती है हैंस ऑप्शन वन वुड बी द राइट आंसर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया